साथ में मेरा बहुत पिछले कई सालों से बहुत ही प्यारा एसोसिएशन रहा है, और इनके साथ में जब भी कोई शो करने की बात आती है तो कुछ नया अलग करने को मिलता है हमें, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ में आते हैं, क्योंकि खुद म्यूज़िक की बहुत बड़ी समझ रखते हैं और ख़ुद म्यूज़िशियन भी हैं ये। और जब मेरे सामने ये इस शो को लेकर प्रस्ताव आया तो मैं बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि जिन म्यूज़िशियंस को लेकर स्वर आला ये ऑनर कर रहा है, उन म्यूज़िशियंस का उनके बारे में बहुत कम लोग, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी बहुत जानती है लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोग उनके बारे में, उनको उतना स्टेज पे नहीं बुलाया जाता या फिर उतना उनके बारे में कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं। अब जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो एलपी के बारे में सब जानते हैं लेकिन गोरख भाई के बारे में बहुत मुनासिब लोग जानते हैं। तो गोरख भाई एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने प्यारे भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत सारे, लगभग सभी गानों में अरेंजमेंट किया है, गिटार का जितने भी बहुत सारे पीसेज, जैसे एक हसीना की या फिर नज़र ना लग जाए, अनगिनत गानों में उन्होंने गिटार बजाया, तो उनको ऑनर कर रहे हैं। फिर राशिद भाई हैं, राशिद खान साहब बुलबुल तरंग में एक वाहिद शख्सियत हैं और एक अकेले, एक जिनको कह सकते हैं कि ना एक इंडस्ट्री में एक ही नगीना है, वो उनका हम ऑनर कर रहे हैं। तो दिनेश जी ने मुझे बताया कि ये उनका हम ऑनर कर रहे हैं और उसमें आपका हम परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो हमेशा राज़ी हूँ और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ, आप मुझे याद रखते हैं। और इसके अलावा शशिकांत जी उनके बारे में, उन्होंने एलपी के सारे गानों का, जितने भी गाने आप रिदमिक गाने सुनते हैं, इंडियन बेस्ड रिदम गाने सुनते हैं, वो सब का रिदम अरेंजमेंट उन्होंने किया है। तो इन सभी को ऑनर कर रहे हैं स्टेज पर, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और एक म्यूजिशियंस को जब ऑनर करने को मिलता है तो एक उसकी अलग बात होती है। तो मैं इस शो का, इस पूरी शाम का एक हिस्सा हूँ और मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस शाम के साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू दिनेश जी, आपने मुझे इसके लिए चुना है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आने वाली ऑडियंस है वो इस शो का भरपूर मज़ा ले और मेरे परफॉर्मेंस का मज़ा उठा के जाए। एक दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अपना एक मज़ा है। जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप एक ही चीज़ को 100 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के सामने आपको वन टेक ओके होना पड़ेगा। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, तो और उसका रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन आता है, तो वो एक अलग अपनी मज़ा रहता है। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो जब ऑडियंस मज़ा लेती है तो मेरा मज़ा दुगना हो जाता है। और स्टूडियो में जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे मन में है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। फेवरेट सॉन्ग जो आप अपने दर्शकों को सुनाएं, थोड़ा दो लाइन। मैं ऑफकोर्स परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरे गाने परफॉर्म करने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो तीन लेजेंड्स हैं, गोरख भाई हैं, रशीद खान साहब हैं और शशिकांत जी हैं, इन तीनों के कुछ मिक्सचर गाने जिसमें इन्होंने रिदम अरेंजमेंट किया है या फिर बुलबुल तरंग बजाया है राशिद भाई ने या गोरख भाई ने गिटार बजाया, वो मैं गाने कुछ एक मेडली के तौर पे मैं सुनाऊंगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं मेरा एक कुछ गाना तो मैं उसकी दो लाइनें आपको सुना देता हूँ। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही हाँ सा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। हाँ सर, आपको उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 14 साल हो गए हैं, उन 14 सालों में मैंने कम से कम 10 प्रोग्राम तो अटेंड किए, और इनकी ये जो शो है बिल्कुल अनोखा शो है। हमारे घाटी साहब जो करते हैं बिल्कुल अनोखा शो है, हमारे सपोर्टर, इनके इनकी मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता। लक्कू भाई यहाँ जो बैठे हुए, और वो हमेशा मुझे वही बुलाते हैं। ये शो में एक बिल्कुल डिफरेंट शो है, इस शो में उन म्यूजिशनों को याद किया जाता है जिनको कोई जानते नहीं, लेकिन मतलब जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं, जिन्होंने बजाया है जितने भी बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स हैं उनमें जो म्यूजिशियंस बजाते हैं, सितारिस्ट ले लें आप, गिटारिस्ट ले लें, अकॉर्डियन प्लेयर ले लें, और रिदम वाले तबला प्लेयर ले लें आप, कोई छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो है ना, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो खास
आर डी बर्मन जी ने इस्तेमाल किए हैं, कई इंस्ट्रूमेंट, उन सबको बुला कर के उनका सम्मान किया जाता है शो में, ये खूबी है। और जितने रिकॉर्डिंग वाले आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशंस, उनको बुलाया जाता है, वो जो ओरिजिनल जिन्होंने बजाया वो उनको बुला करके उनका ऑर्केस्ट्रा होता है। घाटी साहब जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से उनको इकट्ठा करके ये शो पेश करते हैं, और हम चंद लोग होते हैं और शो को एंजॉय करते हैं हम लोग। और उनका सम्मान में जो है, आज जैसे गौरव जी को बुलाया गया, सुशांत जी ना, शशिकांत जी हमारे बड़े भाई शशिकांत जी, वो तो नहीं रहे लेकिन उनकी मिसेस को बुलाया गया है यहाँ पे, और उनका आज सम्मान करेंगे। और हमारे जावेद यहाँ हैं, वो गाएंगे, और सभी म्यूजिशंस ग्रेट लोग हैं, और ये ऐसा शो इंडिया में बस यही करते हैं और कोई नहीं। सब बहुत टाइम हो गया आपको बॉलीवुड के इतने बड़ी फिल्मों में आए हुए, और मतलब लोगों का दिल, मैं दिल वाले में था ना, दिल वाले में थे, लेकिन वो कॉमेडियन जो पहले था आपका, जो मतलब लोगों देखते ही स्क्रीन पे आप खुश हो जाते थे लोग, वो कब आने वाला है और आगे आपके क्या प्रोजेक्ट है उस बारे में जानना चाहिए। अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है, गोलमाल 4 आ रही है ना, और फिर हमने बहुत काम किया एक टाइम पे, 1992-2000 तक, 2000 तक मैं हर फिल्मों में नजर आता था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गैप, वो नेचुरल ब्रेक भी आ गया, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ही करता रहूँ क्या, एक ब्रेक होता है, लोग कहते हैं ना टीवी पे मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, फिर आ रहा हूँ, आया हूँ धीरे धीरे, थोड़े थोड़े अच्छे रोल होता है तो करता हूँ। बस लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, मेरे शो चल रहे हैं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट है, ये तो लाइव है ना, लोगों के सामने। पिक्चर में क्या है कि पर्दा है, कोई पर्दा फाड़ने नहीं जाएगा, यहाँ तो अंडे टमाटर पड़ते हैं, रोकड़े का धंधा है, बिल्कुल रोकड़ा धंधा है ना, तो लाइव शो अलग है, वो मैं करता आया हूँ और उसी से मेरा करियर शुरू हुआ है, तो वो अभी फिर से कर रहा हूँ, लोग इन्जॉय कर रहे हैं शो।